नमस्कार, स्वागत है आपका एपटेक मास्टर के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने से पहले उसकी पूरी की पूरी जांच कर सकें। जी हाँ, अगर आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल लेना चाहते हैं या सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने वाले हैं तो आज आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपको चेक करना है अपने सेकेंड हैंड मोबाइल को कि आखिर वो सही है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में जो बेल आइकन है आप उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। तो सेकेंड हैंड मोबाइल लेने से पहले सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है जिसका नाम है CPU-Z। तो इस एप्लीकेशन को आप उस फ़ोन में इंस्टॉल करिए जो फ़ोन आप सेकेंड हैंड खरीदने वाले हैं, उस फ़ोन में आप इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पर उस फ़ोन की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि इसमें आखिर CPU कौन सा है, यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा है और यहाँ पर इसका GPU क्या है और सब सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइस की सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर वर्जन कौन सा है मोबाइल और मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है और इसका हार्डवेयर क्या है, स्क्रीन साइज़ कितना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है, स्क्रीन डेंसिटी कितनी है, टोटल रैम कितनी है, अवेलेबल कितनी है, इंटरनल कितना है और अवेलेबल कितना इंटरनल स्टोरेज है। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम की जानकारी मिल जाएगी, किस वर्ज़न पे एंड्रॉयड के कौन सा वर्जन इसमें है, कि मार्शमेलो है, लॉलीपॉप है, नोगाट है या ओरियो है, जो भी है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है एंड्रॉयड वर्जन 7.0 यानी कि नोगाट पे है और API लेवल आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मतलब ओवरऑल आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में। जितनी भी जानकारी आपके फ़ोन की होती है वो सारी की सारी CPU-Z आपको निकाल के दे देगा उस फ़ोन की, और सेंसर कौन से सपोर्ट करते हैं, कौन से सेंसर उस फ़ोन में नहीं सपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से जानने को मिल जाएगा। और एक बार आप सब कुछ चेक कर लीजिए उसके बाद ही आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदिए, किसी से भी अगर आप खरीद रहे हैं तो। तो घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी है कि आपको CPU-Z नाम का एक एप्लीकेशन उस फ़ोन में इंस्टॉल करके देखना है जिस फ़ोन को आप लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, वहाँ पर CPU-Z टाइप करके आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एप्लीकेशन साथ, तब तक के लिए गुड बाय।